बता देता हूं कि 10 जुलाई का जो बजट है उसमें तीनों भर्तियों की घोषणा हो रही है। ग्रेड फर्स्ट भी आ रही है, ग्रेड सेकंड भी आ रही है और ग्रेड थर्ड भी आ रही है। तीनों भर्तियां एक साथ हैं, ये निश्चित है, ठीक है। अब इनमें किसमें कितनी वैकेंसी आएंगी ये आप प्लीज, ये कोई सवाल कमेंट में मत लिखिएगा कि सर ग्रेड सेकंड कितने पदों पे आ रही है, ग्रेड फर्स्ट कितने पदों पे आ रही है, ग्रेड थर्ड जो है वो कितने पदों पे आ रही है। पदों का मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट हाँ ये श्योर है कि तीनों भर्तियां जो है वो आपके समक्ष आ रही है। पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल कि सर जब हमारे सामने तीन चीजें हैं कि आपके सामने ग्रेड फर्स्ट भी है, ग्रेड सेकंड भी है और ग्रेड थर्ड भी है, तीनों भर्तियां आपके समक्ष हैं, तो तीनों भर्तियों में से जब आपके समक्ष हैं तो यहां अपने को किसकी तरफ जाना चाहिए। सिंपल सा सवाल है, यानी बहुविभेदन आपके सामने है, मल्टी डिस्क्रिमिनेशन, कि हम सर जाएं कहां। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लाइफ में निर्णय होता है, डिसीजन होता है। डिसीजन यदि सही हो, सटीक हो, तो बाद के जो आउटकम्स होते हैं वो बहुत बेहतरीन होते हैं। और हमारा डिसीजन गलत हो जाता है, हम किसी ऐसे